हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। तो ये है मेरे शिवांश के बर्थडे की सुबह की वीडियो, जब जिस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। तो मैंने एक वीडियो पहले डाला था, छोटा सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पे बन रहा था भोग, और ये अब शाम की तैयारी होने लग गई है। सुबह मैं अलग बना था, और यहाँ ये है मिक्स वेज और मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले चावल, तो रायता, ये सभी तैयारी चल रही है बस शाम के सेलिब्रेशन के लिए। जितने भी बच्चे आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उन सब के खाने के लिए तो यही स्पेशल तैयारी हो रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे सभी लोग अपने अपने कामों में, तो ये हैं। और ये बच्चे यहाँ पे अंदर मस्ती कर रहे थे, बस ऐसे ही दिन सुबह से लेकर शाम तक निकल गया। रात के 12-1-2 बजे हम तो निपटे थे, तो यहाँ पर मस्ती चल रही है। उसके बाद आप बने रहे ब्लॉग में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज आप खुश हो, शिवांश के बर्थडे की, खूब खुश रहो फिर आप। ये हैं शिवांश के मम्मा पापा, और ये देखिए ये कितनी प्यारी सी लग रही है रेनू हमारी, और भैया भी, भैया तो हमेशा ही स्मार्ट लगते और क्या बनाया भाभी? छोले की सब्जी। कथा वथा सब संपन्न हो गई है, प्रसाद ले लिया, लेकिन अभी यहाँ पे मजाक और रील्स वगैरह सब होने के बाद तभी ये घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये नई नवेली दुल्हन आई है, और यहाँ से कोई तीन बच्चे की माँ, तो माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, वो दुल्हन भी हो सकती है। हाँ, तो बस पंडित जी को खिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहाँ का पंडित जी, और मैं और आंटी जी लग रहे हैं बनाने। आंटी पूरी बना रही हैं, कल भी बस थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, बाकी सबका भोग निकालना ही सब चल रहा है। और इसके बाद भी खाएंगे घर से, बच्चे भी सब भूखे हैं, बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ, तो यही सब चल रहा है अभी तो। और उसके बाद भी शाम की बड़ी तैयारी करेंगे खाने में, जैसे कि देखा था काशी सब की सब्जी थी, अभी एक मिनट खाना भी खा लिया। बन रही है पूड़ियाँ, और ये है खीर, ये शिवांश का जैसे कि जन्मदिन था। और यहाँ हमारे अवन के ऊपर रखा हुआ था प्रसाद, और देखो ये हनुमान जी भी शिवांश के भोग का प्रसाद लेके गए हैं। जैसे कि आज कान्हा जी का भी जन्मदिन था ना बेटा, कृष्णा का जन्मदिन था ना, तो उनके भक्त होते हैं ये, तो देखो कहाँ बैठ के खा रहा प्रसाद। और ये यहाँ से आया विंडो से, इसने यहाँ से आके विंडो से, और यहाँ से मैंने प्रसाद रखा हुआ था इसके नीचे बिल्कुल छुपा के, देखो कहाँ से प्रसाद लेके गया, यहाँ से लेके यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, दोनों बच्चे रोने लग गए, बंदर निकल के भागा और यहाँ बैठ के खा रहा है, ये देखो। तो शिवांश कृष्णा का जन्मदिन था ना बेटा। बस यहाँ पे लगे हुए हैं हम तैयारी शाम के बर्थडे की, इसका केक भी आ गया पूरा फ्रीज, और यहाँ पर सब डेकोरेशन करेंगे, यहाँ पर साफ सफाई करेंगे जल्दी से, और बस शाम के बर्थडे की तैयारी करके फिर आपको दिखाएंगे शाम का प्रोग्राम। तो जो चौकी थी कान्हा जी की, वो मैंने चौकी सहित ला के यहाँ पर रख दिया, क्योंकि देखो वहाँ डेकोरेशन भी करनी है, और बर्थडे होंगे तो सब चप्पल वगैरह से आएंगे, तो जो पूजा की चीज़ें थी मैंने सब यहाँ पे रख दिए सब उठा के, और कलश वगैरह सब यहाँ रख दिया है, तो ये सब काम मैं बाद में कर लूँगी। अब शाम की तैयारी में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इधर पूजा का, इधर फिर शाम को बर्थडे का, तो आज हालत मेरी इतनी ख़राब हो रही है, पर सब करना पड़ेगा। और शिवान से इतना रोने लगा, मम्मी ये बंदर कहाँ से आ गया, मैं क्यों समझाया, कृष्णा ने उनको बुलाया। हालत थोड़ी सी ख़राब, साड़ी है, गेटअप से निकल के बाहर में जल्दी से, और फटाफट से मैं पूरे घर का सेटिंग करना, खाना पीना सब रेडी करवा रही हूँ। खाने में बन रहे हैं मटर पनीर,
और छोले चावल, रायता, सैलिड, पूड़िया। तो ये है और रसगुल्ले। तो ये है खाने में शाम का मेन्यू। चलिए से तैयारी कर लेते हैं और फिर रेडी भी हूँ। शिवांश को रेडी करना, मुझे रेडी, और फिर कान्हा जी के केक काटना है। कान्हा जी का अलग केक आया है, शिवांश का अलग आया है, तो दिखाऊंगी आपको। बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जो पहले खाने की मैं तैयारी दिखा रही थी वो एक्चुअली शाम के ही बर्थडे के लिए हो रही थी, और यहाँ पे मिक्स वेज भी बना दी थी। तो क्या था ना कि सुबह में अभी बना था पंडित जी को, जैसे कि वो खाना खिलाना होता है कथा के बाद, और कथा में आलू की सब्जी पूड़ी बनाई थी और था खीर बनाई थी। तो ये सुबह बनी थी और शाम में बनाया था सारा जो और खाने पीने की चीज़ मैं दिखा रही थी। तो इस तरह से सुबह शाम का दोनों का खाना यहाँ पे दिख, तो इसीलिए इसी ब्लॉग में दिखा दिया था मैंने सुबह और शाम का दोनों ही खाना। और यहाँ घर का मैंने इतनी सुबह से साफ़ सफाई की हुई थी, पर जब पूजा एक मिनट में ला रही स्टैंड ला रही घर में जब इतना सब कुछ होता है तो पूरा अस्त हो जाता है। वही मैं एक बार दिखा रही थी राम लगा के। मेरा ट्राईपोड जो था ये पैक होके रखा था, आज मैंने निकाला है इसको और अब इसे लगाती हूँ लाइव। शिवांश के बर्थडे की तैयारी चलेगी साथ में और मैं इसको थोड़ी देर लाइव कर देती हूँ बाकी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिवांश की न्यू वाली ड्रेस है बेटा, लगा दो। ये था शिवांश की प्यारी सी पोशाक, और दिन में पहना था इसने ये जल्दी से पहना। ये ड्रेस मैं इसकी निकाल के शिवांश को बनाती हूँ बर्थडे बॉय हीरो सा, और पहना के आपको दिखाती हूँ शिवांश को। तो फ्रेंड्स, यही था, अब मैं आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी शिवांश को रेडी होके और मैंने क्या पहना था। ज़रूर से देखना आने वाले ब्लॉग को। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस ब्लॉग का, शिवांश के बर्थडे ब्लॉग चल रहे हैं, तबीयत भी बीच में डाउन हो गई थी। कंटिन्यू ब्लॉग भी जा रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ, छोटे छोटे ब्लॉग बनाती हूँ तो टाइम तो लग ही जाता है। तो जैसे कि आज है हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी में गणपति विसर्जन, आज उनका विसर्जन है और 3:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो आप वह भी वीडियो मेरे साथ में लाइव भी कर रही हूँ, कुछ कुछ वीडियोज़ आएंगी भी बाद में, तो आप सभी को वॉच करते रहना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।